2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रचार पूरे देश में कर रही हैं। 19 अप्रैल को इस 7 चरण में होने वाले चुनाव का पहला चरण भी पूरा हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन इन पार्टीज और पॉलिटिशियंस को कितने पैसे खर्च करने की परमिशन देती है? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कानूनन उम्मीदवार के चुनाव खर्च की सीमा तो है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनके खर्च की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही दिन में 3-3, 4-4 राज्यों में ये रैलियां या रोड शो होते हैं। इनके लिए होती है करोड़ों रुपए की खर्च, जो कि राजनीतिक पार्टियां करती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने नेता पर तो लिमिट लगाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टी पर कोई लिमिट नहीं लगाई है। आप जानकर बड़े हैरान हो जाएंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपीस खर्च होने के अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव होगा। ये तो रही बात कि चुनाव के कुल बजट की, अब आपको बताते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नेताओं को कितना खर्च करने की अनुमति दी गई है। इस बार उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट चुनाव आयोग हर साल बदलता रहता है। ये आंकड़ा भी चौंका देने वाला है कि जब देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था यानी 1952 में, तब राजनेताओं को केवल 25,000 रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद 4 लोकसभा चुनावों तक चुनाव आयोग ने इस अमाउंट में कोई बदलाव नहीं किया। फिर आया टाइम 1971 से 1977 तक का, तब इस अमाउंट को बढ़ा के 35,000 रुपए कर दिया गया। फिर आया टाइम 1980 से 84 का, 1,00,000 रुपए कर दिया गया था उस टाइम पे। उसके बाद इसमें इजाफा करते हुए चुनाव आयोग ने 50,000 रुपए बढ़ाते हुए 1,50,000 रुपए कर दिया था। फिर आया 1996, ये सीमा बढ़ाकर 4,50,000 रुपए कर दी गई। उसके बाद 1998 से 1999 के लिए इसमें चुनाव आयोग की तरफ से इजाफा करते हुए 15,00,000 रुपए कर दिया गया। 2004 से 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस खर्च सीमा को 25,00,000 रुपए कर दिया। चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव करते हुए 2014 से 2019 तक के लिए 70,00,000 रुपए कर दिया। आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव था जहां नेताओं को केवल 25,000 रुपए खर्च करने की अनुमति थी। उसके बाद आज 2024 का लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, इसमें 95,00,000 रुपए हो चुकी है। अगर आप कैलकुलेट करें तो पूरे 38,000% की बढ़ोतरी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टीज ने लगभग 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए थे कुल मिला के। इनमें से 7 राष्ट्रीय पार्टियों ने 2,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया। लोकसभा चुनाव खत्म होने के 90 दिन के भीतर यानी 90 दिन बाद राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता है। इसके मुताबिक 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने 4,057 करोड़ रुपीस का ब्यौरा दिया था कि उसने इतना रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,372 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे। इस दौरान कांग्रेस ने जो ब्यौरा सामने रखा वो था 1,167 करोड़ रुपीस का फंड कांग्रेस ने इकट्ठा किया था, और उसने 821 करोड़ रुपीस से ज्यादा का खर्च भी दिखा दिया। राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा खर्च 3 चीजों पर होता है। पहला है पब्लिसिटी, दूसरा उम्मीदवारों पर, और तीसरा होता है ट्रेवलिंग पर। आपको क्या लगता है कि कौन सी चुनावी पार्टी इस बार का लोकसभा चुनाव जीतेगी? हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।